बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह पाक के करम से बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। किसी ने एक दुआ से आज की न्यू रेसिपी शुरू करते हैं। अच्छा जी, आज जो है ना मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बड़े मज़ेदार सी रेसिपी फ़िश की। अच्छा, रेसिपी बनाने से पहले मैं आप लोगों को एक अहम बात बता दूं। अच्छा, हम जब चिकन धोते हैं या फिर कोई भी हो गोश्त, जैसे फ़िश का हो गया, आप जैसे मैंने वॉश किया है इसको, तो इसमें जो है ना काफ़ी ब्लड होता है जो हम जो है ना हाथों की मदद से बड़ी अच्छी तरह इसको वॉश करते हैं, तो बड़ी मुश्किल भी होती है। तो आज से जो है ना आप लोगों को मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि इस मुश्किल का जो है ना हल मैं लेके आई हूँ। आप लोगों ने क्या करना है कि वाइट सिरका जो होता है उसका एक चम्मच लेके फिश में या चिकन हो या कोई भी गोश्त हो तो उसमें डाल देना है एक चम्मच, और साथ में पानी भी, और 10-15 मिनट इसको ऐसे भिगो के रखना है। फिर उसके बाद जो है ना इसको अच्छी तरह वाश कर देना, फिर जो है ना सारा जो ब्लड होगा ना निकल जाएगा, तो इतनी मेहनत भी नहीं लगेगी वाश करने में, और हमारा जो है ना चिकन फिश और कोई भी जो गोश्त होगा ना तो अच्छी तरह वाश हो जाएगा। अच्छा जी, आज जो है ना हम फिश की रेसिपी बना रहे हैं, और आप लोगों ने क्या करना है कि मेरी रेसिपी को फुल वॉच करना है, लाइक करना है, और अगर इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। तो चलिए आज की जो है ना रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और आज जो है ना मैं न्यू तरीके से रेसिपी बना रही हूँ, आप लोगों ने इस तरीके से लाजमी बनानी है। अच्छा, ये जो है ना फिश का सालन है, और यूँ समझ ले कि जैसे आज मैं रेसिपी बना रही हूँ ना न्यू तरीके से, ये कीमा हो गया, मतलब कीमा और प्याज टमाटर, तो जिस तरीके से मैं बनाऊँगी ना तो इसमें जो है ना प्याज का फ्लेवर भी आएगा और टमाटर का भी और सब्ज़ मिर्चें और फिश का भी, और ये जो है ना सालन बड़े मज़े का बनता है। आप लोगों ने लाजमी ट्राई करना है, इसको बनाना है घर में, और फिर मुझे बताना है कि किस तरह बना था, मज़े का बना था या। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना हमारी फ़िश की रेसिपी बिल्कुल रेडी है, और यहाँ पे हम अपनी वीडियो का एंड करते हैं।
और अगर मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई हो तो मेरी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। तो जी फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली।